Good morning students. Today we will start exercise 1.1 of chapter 1st integers. इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन 9 तक डिस्कस कर लिए थे. Now in this video we will discuss the remaining questions. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से. A water tank has steps inside it. A monkey sitting on the topmost step. That is the first step. The water level is at 9th step. एक वाटर टैंक है जिसमें स्टेप्स लगी हुई हैं, सीढ़ियां लगी हुई हैं. और जो मंकी है वो टॉप मोस्ट स्टेप पर बैठा हुआ है, मतलब फर्स्ट स्टेप पर बैठा हुआ है. और वाटर लेवल तक कितने स्टेप है, टोटल 9 स्टेप लगी हुई है. सो फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है वो, ही जंप 3 स्टेप डाउन. मंकी फर्स्ट स्टेप पर बैठा हुआ है, वो 3 स्टेप नीचे की तरफ जाता है, देन अगेन वो जंप क्या कर लेता है, पीछे की तरफ 2 स्टेप वापस आ जाता है. इसी तरह से वो 3 स्टेप आगे की तरफ जाता है और 2 स्टेप वापस पीछे की तरफ आ जाता है. सो वी हैव टू फाइंड कि हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, कि वो ऐसे कितने जंप्स करेगा, 3 स्टेप आगे जाके फिर 2 स्टेप वापस पीछे जाके, वो कितने स्टेप्स लेगा, कितने जंप्स लेगा कि वो 9th स्टेप पर पहुंच जाए. सो स्टार्ट करते हैं. जो स्टेप को नीचे की तरफ ले रहा है, स्टेप जो डाउन की तरफ ले रहा है, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. पॉजिटिव इंटीजर मींस पॉजिटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें पॉजिटिव साइन लगाएंगे. और जो स्टेप को ऊपर की तरफ ले रहा है उसमें हम कौन सा साइन लगाएंगे, नेगेटिव, मींस उसमें नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप. टॉप मोस्ट स्टेप मींस वो फर्स्ट स्टेप पर बैठा हुआ है. तो फर्स्ट स्टेप पर बैठा है मींस फर्स्ट फ्लोर, अभी तो फर्स्ट स्टेप पर है. अब उसने जंप किया कितना, 3. तो 1 + 3 = 4. तो अब वो कौन से स्टेप पर पहुंच चुका है, फोर्थ स्टेप पर पहुंच चुका है. अब वो फोर्थ स्टेप पर पहुंचा है, 3 जंप मार के. अगेन वो सेकंड स्टेप में क्या करेगा, 2 जंप पीछे की तरफ मारेगा. तो 4 - 2, -2 क्यों, क्योंकि वो पीछे की तरफ आ रहा है और जो स्टेप अप की तरफ हो रहा है उसमें हमको नेगेटिव साइन यूज करना है. तो 4 - 2, 2. अगेन वो थर्ड स्टेप में क्या करेगा, सेकंड स्टेप पर तो वो था ही, अगेन वो क्या करेगा, थर्ड स्टेप 3 जंप्स और मारेगा. तो अब किस पे पहुंच गया वो, फिफ्थ स्टेप पर पहुंच गया. फोर्थ स्टेप में वो फिफ्थ स्टेप पर तो ऑलरेडी ही था, उसमें 2 जंप पीछे की तरफ मारे, अब किस पे पहुंच गया वो, थर्ड स्टेप पर पहुंच गया. फिफ्थ स्टेप में वो थर्ड स्टेप पर था, अगेन उसने वापस 3 जंप आगे की तरफ मारे, तो किस स्टेप पर पहुंच गया वो, सिक्स स्टेप पर पहुंच गया. और सिक्स स्टेप में उसने, सिक्स सीढ़ियों में तो वो था ही, उसने अगेन 2 जंप पीछे की तरफ मारे, तो अब किस पे पहुंच गया वो, फोर्थ स्टेप पर. फोर्थ स्टेप पर वो था ही, अगेन वो क्या जंप करेगा, 3 जंप करेगा आगे की तरफ, डाउन की तरफ, तो अब किस पे पहुंच गया वो, सेवंथ स्टेप पर. एट में उसने क्या करा, सेवंथ स्टेप पर तो वो था ही, अब 2 जंप वो पीछे की तरफ लेगा, तो 7 - 2 = 5. तो मीन्स अब कौन से स्टेप पर बैठा है, फिफ्थ स्टेप पर बैठा है, पांचवी सीढ़ी पर बैठा है. नाइन्थ स्टेप में क्या करा उसने, पांचवी सीढ़ी पर तो वो बैठा ही था, अब वो आगे की तरफ जाएगा. तो 5 + 3, आगे की तरफ से 3 जंप मारे तो कितना आ गया, 8. तो अब वो कौन से स्टेप पर बैठा है, 8 स्टेप पर बैठा है, मीन्स आठवीं सीढ़ी पर बैठा है. फिर उसने क्या करा, जब वो आठवीं सीढ़ी पर बैठा था तो 2 जंप अगेन पीछे की तरफ लिए, तो जब वो 2 जंप उसने पीछे की तरफ लिए तो अब कौन से स्टेप पर आ गया वो, 6 स्टेप पर आ गया. फिर 11th स्टेप में जब वो 6 स्टेप पर था तो अब वो जंप ना लेगा, आगे की तरफ लेगा, तो जब वो 6 स्टेप से आगे की तरफ 3 जंप लेता है तो वो 9th स्टेप पर पहुंच जाता है. और यही हमें फाइंड करना था कि कितने जंप्स में 9th स्टेप पर पहुंचेगा, तो कितने जंप्स लगाने पड़ेंगे उसको कि वो 9th स्टेप पर पहुंच गया. मंकी टुक 11th जंप्स, दैट इज 9th स्टेप टू रीच द वाटर लेवल. अब हमारा सेकंड पार्ट में क्या है, After drinking water, he wants to go back for this. He jumps 4 steps up and then jumps 2 steps down in every move. So in how many jumps will he reach back the top step? वो अभी 9th step पर पहुंच चुका था, कितने jumps में, 11th jumps में. After drinking water, पानी पीने के बाद वो again किस floor पर जाना चाहता है, किस step पर जाना चाहता है, first step पर जाना चाहता है. तो वो क्या कर रहा है, He jumps 4 steps up. वो 4 steps
स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब हमारे थर्ड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है, 4 माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो मींस हमें पता करना है कि जो मंकी ने मूव लिए सेकंड पार्ट में, तो दैट मींस वो पॉजिटिव है, तो मींस वो एक स्टेप ऊपर की तरफ गए थे, एट उसका सम किसके इक्वल है जी 8, तो दैट मींस उसने जो स्टेप लिए थे 8 वो ऊपर की तरफ लिए थे। सो फ्रॉम द क्वेश्चन हमें गिवन था कि स्टेप जो डाउन टू लेना है वो नेगेटिव में से रिप्रेजेंट करेंगे और जो स्टेप ऊपर की तरफ लेना उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेकंड वाले पार्ट में वो 9 स्टेप पर था, सो नाइन स्टेप से उसको फर्स्ट स्टेप पर जाने में कितना जंप लगे थे, 5 जंप्स लगे थे, ये हम बी वाले पार्ट में करके आ चुके हैं। सो अगेन 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 कितने जंप हो गए, 5 जंप हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12, 4 8 12 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 12 में से 4 माइनस करें तो कितना आया 8, तो दैट मीन्स जो उसने मूव लिए हैं वो कितने मूव लिए हैं, 8 स्टेप्स करें और किस तरफ करें, ऊपर की तरफ करें, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्टेप अप से। सो देयरफॉर द मूव्स इन पार्ट 2 रिप्रेजेंट मंकी इज गोइंग अप 8 स्टेप। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश्ड होती है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।